हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेलेक्शन क्लासेस। सो मस्ट डू ज्योमेट्री जो हमारा एक तरह से सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है एंड इट इज़ मस्ट डू बिकॉज यहाँ पे बहुत प्यारा सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है जिसके चलते इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्योमेट्री की थ्योरम ज़्यादा लगाएंगे तो माइट बी पॉसिबल यू विल बी स्टार्ट राइट। तो मैं इसको करने का पहले कंसेप्ट बताऊँगा, उसके बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन पॉज एंड ट्राई। तो क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ई एफ सी जो एरिया है दैट इज ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड बी एफ सी जो है ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमको जो ऑरेंज कलर का ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना था, नॉट एक्चुअली ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो हाउ विल आई अप्रोच दिस क्वेश्चन राइट। तो मैं एक दो बातें बता दूं उसके बाद इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आपने ट्रेपीजियम पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अगर आपके पास ये ट्रेपीजियम है और इसके अगर हम डायगनल की बात करते हैं, हाँ ऐसे डायगनल, तो यहाँ पे जो डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है, कोई पॉइंट है रैंडम पॉइंट ओ, तो थ्योरम क्या बोलती है या जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या पता होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन से, अगर इसका एरिया ए है, हाँ आई एम राइटिंग द एरिया, और इसका एरिया बी है, एरिया इसका ए है ऊपर वाले पोर्शन का, इसका एरिया बी है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये जो ये वाले जो एरिया है इसका एरिया हो जाएगा रूट ए बी और इसका भी एरिया हो जाएगा रूट ए बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आपका ट्रेपीजियम आइसोसेलिस हो नॉन आइसोसेलिस हो, दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ट्रेपीजियम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। तो आई कैन से ये रूट ए बी दैट इज इनका मल्टीप्लाई करना, रूट कर देना है एंड दिस इज एरिया एंड दिस इज ऑल्सो एरिया ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे यूज हो सकती है कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के ऊपर बेस के ऊपर आपने एक ट्राइंगल बना दिया, हाँ मान लेते मैंने ऐसा ट्राइंगल बना दिया, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और आपने एक ट्राइंगल बना दिया इसके ऊपर ई, तो जो एरिया होगा ए बी का वो हाफ होगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। साइकिल से जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि पैरेललोग्राम के अगर आपने सेम बेस पे ट्राइंगल बना दिया और वो जो ट्राइंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो टच करना चाहिए अपोजिट साइड को, हाँ वो कहीं भी लाई कर सकता है और पूरा का पूरा जो बेस है वो पैरेललोग्राम पे लाई करना चाहिए ठीक है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हाँ दिस इज रेक्टेंगल एंड इवन स्क्वायर इवन पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, हाँ पैरेललोग्राम, तो जो इसका डायगनल अगर आप खींच देंगे कोई भी एक डायगनल खींच देंगे तो दोनों का जो एरिया है पार्ट वाइज वो इक्वल हो जाएगा, ये थ्योरम है ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजा के हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन ठीक है। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इस फिगर को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, या इसको बड़ा कर देते हैं, इस फिगर को ही बड़ा कर लेते हैं राइट, यू कैन सी राइट। तो इस फिगर को मैंने बड़ा कर लिया और इसको हम वाइट कलर से सॉल्व कर सकते हैं क्या ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। सो आपके पास अगर मैं इसको इसको ज्वाइन कर देता हूँ, हाँ ये ज्वाइन कर दिया, तो यू कैन से कि सर ए बी सी ई, हाँ ए बी सी ई क्या बन गया, ए बी सी एक ट्रेपीजियम बन गया, बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल सही बात है ठीक है। और अगर मैं ए सी को देखता हूँ तो ए सी तो डायगनल हो गया, बिल्कुल सही बात है डायगनल हो गया। अच्छा इसका एरिया आपको 4 दे रखा है और इसका एरिया 5 दे रखा है ठीक है। तो मैंने इसको ए मान लिया, कितना मान लिया, ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को सोचो, जो आपके पास एरिया ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी का जो एरिया है वो 5+a है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है वो 5+a है। इसका मतलब जो एरिया ए डी सी होगा
वो भी कितना होना चाहिए, 5+A, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी 5+A होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 5+A होना चाहिए, हाँ अगर ये 5+A होना चाहिए, तो आई कैन से कि यहाँ से अगर मैं ट्रेपेज़ियम वाली थ्योरम लगाता हूँ, इसका एरिया कितना होना चाहिए, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ के, कितना मान लेता हूँ के, ठीक है, ये काम करता हूँ, इस वाली लाइन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, क्यों मिटा रहा हूँ बताऊँगा अभी, ठीक, काम करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। देखो नीचे वाले का एरिया है 5+A, ऊपर आपके पास ऑलरेडी 4 है, तो आपके पास 1+A की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो पूरा एरिया है, जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, ये ब्लैक कलर का जिसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, ये ठीक है, इसका एरिया टोटल 1+A होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1+A होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 5+A 5+A बैलेंस करना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एरिया ट्राइंगल ए ई बी कितना होना चाहिए, ए ई बी, आप बोलोगे सर ये हाफ होगा एरिया ए बी सी डी के, तो ए बी सी डी का एरिया कितना हो गया, 5+A 5+A कितना हो गया 10+2A, और उसका अभी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5+A, ठीक है, इसका मतलब ये जो एरिया है, जो ए ई बी का जो एरिया है वो 5+A होना चाहिए, होपफुली इट इज क्लियर। ऑलरेडी आपने इसको ए दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, रीज़न क्या है, क्योंकि जो टोटल एरिया है 5+A 5+A 10+2A हो गया, उसका आधा होगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया, जो मैं अभी ग्रीन कलर से देखो आपको करता हूँ ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका एरिया रेक्टेंगल का आधा होगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 है, ये 5+A है, तो टोटल 10+2A है, उसका आधा करेंगे 5+A, तो ये ऑलरेडी आपके पास A है तो 5 हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने जो ट्रेपेज़ियम वाली थ्योरम बताई थी उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, देखो 4 into A, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 into A, इट शुड बी इक्वल्स टू 5 into 5 25, क्योंकि आमने सामने के जो साइड जो एरिया है उनको प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 4 into A शुड बी इक्वल्स टू 5 into 5, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 6.25, कितनी आ जाएगी 6.25, इज इट क्लियर, 6.25, तो आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया पूछा था ना आपसे, तो ये है 1+A और A की वैल्यू है 6.25, तो जो आंसर आ जाएगा वो 7.25, कितना आएगा 7.25, जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट मैंने आपको सिखा है, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। जो सीरीज़ है ज्योमेट्री की, जो क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ है, उसको फॉलो करते रहिए, फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन, जेट 2024 एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन यदि आप फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैथ्स जहाँ पे है वहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।